देश की कभी मजबूत पार्टी कहने जाने वाली बहुजन समाज पार्टी, जो अपने आप को राजनीतिक पार्टी का मिशन बताती है, लगातार 2012 से नीचे की तरफ जा रही है। यहाँ तक कि जनाधार कम होता जा रहा है और किसी सदन में सीमित संख्या होती जा रही है। आज की तारीख में राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी के पास लोकसभा या राज्यसभा में कोई सांसद नहीं है, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक विधायक है। बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक लगातार गिरता जा रहा है और बीते लोकसभा चुनाव में 3% से भी कम वोट रह गया। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे बहुजन समाज पार्टी ने अपने पुनरुत्थान का रोड मैप तैयार किया है, कैसे बसपा के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने बसपा को दोबारा 2007 वाली बसपा बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचिश्री। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बसपा अध्यक्ष मायावती ने आकाश आनंद को बसपा का उत्तराधिकारी बनाया है। आज आकाश आनंद अपनी रणनीति के तहत काम शुरू कर दिए हैं, जिससे लोकसभा चुनाव के साथ दलित वोट जो इंडिया गठबंधन में गया था उसे वापस लाया जाए और बसपा का पूरा गौरव वापस हो सके। बहुजन समाज पार्टी आगामी चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। हरियाणा में आगामी दिनों में चुनाव है और इस कारण मायावती के भतीजे आकाश आनंद वहां विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र दौरा करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की 2024 के लोकसभा चुनाव में 0 सीटें आने के बाद अपने आगामी चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाते हुए उन्हें अपना उत्तराधिकारी भी बनाया है। आकाश आनंद संगठन का विस्तार करने के लिए अगस्त के पहले हफ्ते में राज्यों के दौरे पर निकलने वाले हैं और इसकी शुरुआत हरियाणा से वह कर सकते हैं। हरियाणा में आगामी दिनों में चुनाव है और इस कारण आकाश आनंद वहां विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र दौरा करेंगे और इसके साथ ही पूरे देश में दलितों को एकजुट करने की कवायद शुरू करेंगे। आकाश आनंद अलग अलग राज्यों में करेंगे रैलियां। सूत्रों की माने तो बसपा के दिल्ली स्थित कार्यालय पर आकाश आनंद के दौरों को लेकर कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। आकाश आनंद ने जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम से लेकर मध्य उत्तर प्रदेश तक अलग अलग रैलियां और उनमें उनके तेवर से जिस तरीके से दलित एकजुट हुआ, उसको देखते हुए अब अन्य राज्यों में भी आकाश आनंद की डिमांड बढ़ गई है। इसी कारण अब आकाश आनंद को अलग अलग राज्यों में बुलाया जा रहा है। दलित वोट बैंक पर पकड़ बनाने की करेंगे कोशिश। बहुजन समाज पार्टी में सामने इस वक्त सेकंड लाइन लीडरशिप के नेताओं की बड़ी कमी है। बसपा के कई कदावार नेता पिछली 1.5 दशक में पार्टी छोड़कर अलग अलग दलों में जा चुके हैं। अब बसपा युवा चेहरे के तौर पर आकाश आनंद को स्थापित कर युवाओं के बीच उनकी पकड़ मजबूत करना चाहती हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इसकी सहमति दी है। आकाश आनंद अपने अलग अलग राज्यों में दौरे में पार्टी के लिए संभावनाएं तलाशने के साथ ही दलित वोट बैंक को पार्टी के पक्ष में लाने की कोशिश करने वाले हैं। आकाश आनंद कितना कामयाब होंगे या तो देखने वाली बात होगी, लेकिन बसपा की संगठनात्मक कमियों की वजह से बसपा आज अपने न्यून स्तर पर आ गई है। बसपा विधानसभाओं के चुनाव की तैयारी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में होने वाली विधानसभाओं के उपचुनाव लड़ने का मन बना लिया है और हर उपचुनाव वाले क्षेत्र में बसपा बड़े कार्यक्रम कर रही है। आगे भी हम आपसे मिलेंगे। देखते रहिए एमटी टॉक शो। धन्यवाद। मैं सुचिश्री।